तुम लोगों ने समुद्र देखा है? समुद्र, समंदर, सागर, सी, जो भी तुम उसको बोलते हो, देखा है? मैंने ना जिंदगी में अभी तक सिर्फ एक ही बार देखा है, और जब देखा था ना तो पता है चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और पानी, और इसके अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था, और वो बहुत सुंदर लग रहा था। कमाल है ना, इतना सारा पानी। पर इतना सारे पानी का ना हम बहुत ज्यादा कुछ इस्तेमाल कर नहीं सकते। ये बात तो पता है ना तुम्हें कि समुद्र का पानी बहुत ज्यादा नमकीन और खारा होता है, इतना कि पीने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। और आज मैं इसी के बारे में एक कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसमें ये पता चलेगा हमें कि समुद्र का पानी इतना नमकीन और इतना खारा कैसे हो गया। तो क्या हुआ था, बहुत बहुत साल पहले दो भाई रहा करते थे। दो भाइयों में जो बड़ा भाई था उसका काम बहुत अच्छा चल पड़ा, तो वो तो अमीर पैसे वाला बन गया। और जो छोटा भाई था उसका काम इतना अच्छा नहीं चला था, तो उसके पास पैसों की तंगी होने लगी। बहुत कम पैसे थे उसके पास। और एक बार ऐसे हुआ कि क्रिसमस आने वाला था, और क्रिसमस से एक दिन पहले छोटे भाई के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। क्रिसमस बहुत बड़ा त्योहार होता था उनके लिए, तो छोटा भाई बड़े भाई के पास गया कुछ पैसे मांगने के लिए। उसने बड़े भाई को अपनी सारी चीजें बताई। बड़े भाई को थोड़ी सी शरारत सूझी। बड़े भाई ने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। छोटे भाई ने बोला वो क्या काम है? बड़े भाई ने बोला कि मेरे पास एक फूड पैकेट है, उसके अंदर खूब सारा खाना है, मैं तुम्हें एक जगह बताऊंगा, वहां पे जाके तुम बस इसको बेच आओ, बस इतना सा काम है। छोटे भाई ने कहा कि ठीक है, मुझे अभी पैसों की जरूरत है, जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं कर दूंगा, दे दीजिए पैकेट। और फिर बड़े भाई ने बोला कि इस फूड पैकेट को तुम्हें जाकर के नदी के पास एक बड़ी सी गुफा है, वहां जाके बेचना है। छोटे भाई ने कभी उसके बारे में सुना नहीं था, पर उसको तो पैसे की जरूरत थी, तो वो तैयार हो गया। अब उसने फूड पैकेट लिया और चल पड़ा वो नदी के पास। नदी के पास जैसे वो पहुंचा, उसने देखा कि गुफा तो यहीं कहीं होनी चाहिए। हाँ, सामने कुछ गुफा जैसा लग रहा है। वो जैसे गुफा के दरवाजे के पास पहुंचा, वहां पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, और उसके हाथ में थी एक कुल्हाड़ी, और वो लकड़ियों को कुल्हाड़ी से काट रहा था, टक टक। और फिर छोटे भाई ने बोला कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गुफा में जाके ये मुझे खाना बेचना है, मैं किसको बेचूं? तो बूढ़े आदमी ने बोला अच्छा, तो तुम्हें गुफा के अंदर जाकर के ये खाने का पैकेट बेचना है? उसने बोला हाँ, मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला है, आप मुझे बता दीजिए क्या मैं सही जगह पर हूँ या फिर मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गया। बूढ़े आदमी ने ऊपर से नीचे तक उस छोटे भाई को देखा। उसने बोला तुम सही जगह पर आए हो, तुम जा करके अपना खाने का यह पैकेट बेच सकते हो। ये सुनकर छोटे भाई ने एक लंबी सांस ली कि चलो अब मैं जाके खाने का पैकेट बेच सकता हूँ। और वो जैसे ही अपना कदम बढ़ाने लगा गुफा की तरफ, बूढ़े आदमी ने रुका। उसने बोला अच्छा हाँ रुको, एक बात बता दूं मैं तुम्हें, जब ये तुम अपना फूड का पैकेट बेचोगे तो क्या लोगे बदले में उनसे? छोटे भाई ने बोला कि मेरे वैसे बड़े भाई ने कुछ कहा नहीं कि बदले में क्या लेना है और वापस उनको देना भी है कि नहीं देना, ऐसा कुछ बोला नहीं, बस बोला कि बेच दो। तो बूढ़े आदमी ने बोला अच्छा, अगर तुम मेरी बात मानो तो ऐसा करो कि जाकर के इस पैकेट को अंदर बेच देना, और बदले में पैसे मत लेना, बदले में बोलना कि गुफा के दरवाजे के पीछे एक चक्की है और मुझे चक्की चाहिए। छोटे भाई को कुछ समझ में नहीं आया, फूड पैकेट के बदले चक्की, पर इसमें नुकसान क्या है, ठीक है मैं ये बोल दूंगा। उसने बूढ़े आदमी की वो बात मान ली। अब वो छोटा भाई अंदर गया, जैसी गुफा के अंदर गया वो तो अंदर से बहुत बड़ी थी, और अचानक से उसके सामने बहुत सारे लोग आ गए। कुछ लोग बहुत लंबे लंबे थे, कुछ लोग बहुत मोटे तगड़े थे, और कुछ लोग बहुत छोटे थे,
कुछ के बाल बहुत लंबे थे, कुछ के बाल घुंघराले, और पता है कुछ लोगों के सर पे बाल ही नहीं थे। मतलब अलग अलग तरह के लोग और कुछ अजीब से दिखने वाले लोग उस गुफा में रहते थे। पर अच्छी बात यह है कि वो छोटा भाई इन सब से बिल्कुल भी नहीं डरा। वो गया और उसने बोला कि क्या आप सब लोग के मेरा फूड का पैकेट खरीदना चाहेंगे। लोगों ने देखा और हाँ, सच में उनको उसकी जरूरत थी और वो खरीदने को तैयार हो गए। उन्होंने पैसे देना चाहा, लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। उसने कहा कि मुझे इसके बदले में पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपके गुफा के दरवाजे के पीछे जो चक्की रखी है ना, मुझे वो चक्की चाहिए। पहले वो लोग तैयार नहीं हुए कि भाई पैसे ले लो ना, हम अपनी चक्की क्यों दें। पर जब इतना बोलने के बाद भी छोटा भाई नहीं माना, तो फिर वो तैयार हो गए और उन्होंने उसके हाथ से वो फूड वाला पैकेट ले लिया और बदले में उसको वो चक्की दे दी। अब चक्की हाथ में पकड़कर वो छोटा भाई गुफा से बाहर निकला। वो बूढ़ा आदमी था ना, वो बाहर उसका इंतजार कर रहा था। बूढ़े आदमी ने बोला, तुम्हें क्या लगता है कि ये चक्की बस ऐसी वैसी है? ये चक्की कुछ खास है। रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसको कैसे शुरू करते हैं और इसको कैसे रोकते हैं। फिर बूढ़े आदमी ने उसको चलाने का तरीका बताया और साथ ही उसको रोकने का तरीका भी बताया। अब छोटे भाई ने चक्की ली और वो अपने घर पे पहुंच गया। घर पर उसकी पत्नी उसका बहुत इंतजार कर रही थी क्योंकि वो थोड़ा लेट हो गया था। जैसे वो पहुंचा, पत्नी ने बोला कि अरे तुम इतनी देर लगा दी तुमने, मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। अब देखो ना, क्रिसमस की रात आने वाली है और हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। छोटे भाई ने बोला कि तुम चिंता मत करो, अभी देखो मैं क्या करता हूँ। उसने पास में जो एक टेबल रखी हुई थी ना, उसके ऊपर अपनी चक्की रखी और चक्की को घुमाना शुरू किया। जैसे चक्की को घुमाया, सबसे पहले उसमें से एक लाइट निकली। लाइट के बाद उसमें से निकला एक टेबल क्लॉथ। टेबल क्लॉथ उन्होंने टेबल के ऊपर लगा दिया और फिर जैसे वो चक्की का एक हिस्सा घुमाते, कुछ ना कुछ खाने की चीजें निकल जाती। खूब सारी सब्जी, ब्रेड, मीठी मीठे पकवान सब एक एक करके निकलने लगे। और ये देखकर उसकी पत्नी हैरान थी कि ये हो क्या रहा है, बताओ तुम्हें ये चक्की कहाँ से मिली। लेकिन छोटे भाई ने बिल्कुल भी नहीं बताया कि उसको ये चक्की कहाँ से मिली। जब टेबल में खूब सारा खाने पीने का सामान आ गया, तब उसने अपनी चक्की को रोक दिया। छोटा भाई अब ये समझ चुका था कि चक्की से कैसे खूब सारा खाना निकल सकता है। तो अगले दिन उसने अपने सारे दोस्तों को एक बड़ी सी दावत दी और सारा का सारा जो खाना था दावत का, वो उस चक्की से ही बाहर निकला था। ये बात किसी तरीके से उसके बड़े भाई को पता लग गई। तो बड़ा भाई आया छोटे भाई के घर में और उसने पूरी बात पूछी। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को सारी बात बता दी। अब बड़ा भाई बोलने लगा कि कायदे से अगर देखो तो वो फूड पैकेट तो मेरा ही था। हाँ, मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि बेचने के बाद पैसे तो मुझे दो, लेकिन ये चक्की पर तो मेरा ही अधिकार बनता है और मैं इसको ले जाऊंगा यहाँ से। और थोड़ी सी जिद करके बड़े भाई ने छोटे भाई से वो चक्की ले ली और अपने घर पे जा करके टेबल के ऊपर रख दी। उसने चक्की घुमाई, बिल्कुल वैसा ही हुआ। पहले एक लाइट जली, फिर एक टेबल क्लॉथ निकला और उसके बाद बड़े भाई ने बोला, मुझे ना खूब सारा आटा चाहिए, इतना सारा चाहिए खूब। और चक्की चलती गई और उसमें से आटा निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। अरे निकल ही रहा है, रुक ही नहीं रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, इतना निकल रहा है कि उसका पूरा बर्तन भर गया और फिर पूरे फ्लोर पे आटा ही आटा। बड़े भाई को समझ में नहीं आया कि मैं इस चक्की को रोकूं कैसे। उसने खूब कोशिश करी लेकिन चक्की बिल्कुल नहीं रुकी। चक्की बस चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, और आटा पूरा पूरा फर्श पे फैलता जा रहा है। और ये क्या, घर में जगह जगह आटे के ढेर लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। बड़े भाई को लगा कुछ तो गड़बड़ है। वो झट से भागा अपने छोटे भाई के पास और पता है छोटा भाई वहां पे इंतजार कर रहा था, क्योंकि छोटे भाई को ये बात तो पता थी कि इसको रोकना तो सिर्फ मुझे आता है, ले जाने दो। जैसे बड़ा भाई घर पे आया, छोटे भाई ने बोला, चक्की रुकी क्या? बड़े भाई ने बोला, नहीं नहीं रुकी चक्की, मुझे बताओ जल्दी से कैसे रोकना है।
छोटे भाई ने बताने से बिल्कुल मना कर दिया। तो हार के बड़े भाई ने बोला, अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे ये नहीं बताना चाहते कि चक्की कैसे रुकेगी, तो ऐसे करो कि चक्की मेरे घर से ले जाओ, नहीं तो अगर ये चलती रही तो कुछ ही समय बाद ये पूरे के पूरे शहर में आटा ही आटा हो जाएगा और सारा इल्जाम मेरे सर पे आ जाएगा। छोटे भाई ने बोला कि हाँ, मैं चक्की को वापस ले सकता हूँ, बदले में तुम मुझे 300 सोने के सिक्के देने का वादा करो। ठीक है, तो छोटे भाई को उसने 300 सोने के सिक्के देने का वादा किया। अब छोटा भाई गया बड़े भाई के घर में और उसने वहां से चक्की उठा ली। अब वो चक्की सिर्फ छोटे भाई के पास ही थी। जब भी उसको कुछ खाना बनाना होता, वो अपनी चक्की चलाता, खाना बना लेता और फिर उस खाने को बेचना उसने शुरू कर दिया। और धीरे धीरे छोटे भाई के पास बहुत सारे पैसे आने लग गए और वो खूब पैसे वाला आदमी होने लगा। उसने इतने सारे पैसों से खूब सारी जमीन खरीदी, फार्म हाउस खरीदे और हाँ, उसने अपना घर खरीदा समुद्र के किनारे। अब क्या होता था, उसके चक्की वाली बात धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने लग गई। लोग समुद्र से आते थे उसके घर में देखने के लिए कि वो चक्की है कैसी। अच्छी बात ये है कि वो सबको अपनी चक्की दिखा देता था। अब लोग आते और चक्की देखते और हैरान होते कि ये तो जादू वाली चक्की है। ऐसे ही एक आदमी को कहीं से पता चला उस जादू की चक्की के बारे में, तो वो भी समुद्र के रास्ते से आया और उसने बोला कि मैं आपकी चक्की को देखना चाहता हूँ। छोटे भाई ने पहले बोला, हाँ देख लो, देखने में क्या है। फिर उसने बोला, क्या आप मुझे चक्की सिर्फ 5 मिनट के लिए दे सकते हैं? मुझे सिर्फ 5 मिनट के लिए आपकी चक्की चाहिए। छोटे भाई ने पहले मना कर दिया, लेकिन बार 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 इतनी रिक्वेस्ट उसने करी कि छोटा भाई मान गया कि चलो ठीक है, मैं 5 मिनट के लिए अपनी चक्की तुम्हें दे देता हूँ, लेकिन 5 मिनट बाद तुम इसको वापस कर देना। ठीक है, फिर उस आदमी ने फटाफट उस चक्की को उठाया और अपनी नाव पे लेकर के बैठ गया और उसने बोला कि मुझे ये चक्की इसलिए चाहिए थी क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस चक्की से मैं खूब सारा नमक बनाऊं और नमक फिर मैं अपने शहर में जाऊंगा और बेचूंगा और 5 मिनट में मैं इतना नमक बना लूंगा। उस जमाने में नमक बनाना बहुत बड़ी बात थी और बहुत मुश्किल से बनता था। अब वो आदमी नाव के ऊपर बैठा और चक्की चलाना शुरू किया और उसने चक्की से बोला कि मुझे खूब सारा नमक चाहिए। चक्की चल रही है और नमक निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है और निकले जा रहा है, निकले जा रहा है, निकले जा रहा है। नमक इतना निकला कि उसकी पूरी की पूरी वो जो नाव थी ना, वो नमक से भर गई, एक साइड से टेढ़ी हो गई और ये क्या, उसकी नाव तो अब जमीन में यानी कि समुद्र के अंदर नीचे की तरफ जा रही है और सारा नमक पानी में घुल रहा है। और इन सब के चक्कर में वो जो चक्की थी ना, वो चक्की भी नाव से नीचे गिर गई। अब वो जो आदमी था उसको तो आता ही नहीं था ना कि चक्की रोकनी कैसी है। वो डर गया ये सब देख करके और वो वहां से तैर के कहीं दूर निकल गया। और वो जो चक्की है ना, वो चक्की चलती गई, चलती गई, चलती गई। कुछ लोग तो बोलते हैं कि वो नमक वाली जो चक्की है ना, वो आज भी चल रही है, इसलिए जो समुद्र का पानी है ना, उसमें लगातार नमक घुलता जा रहा है और वो हर दिन और खारा और खारा और खारा ही होता जा रहा है।